हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हंग्री फॉर एवर बाय अंजना पे स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ अपनी चिली गोभी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है और जिसको बनाना बहुत ही सिंपल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिली गोभी के लिए हम एक बाउल में एक छोटी गोभी के फूलों को लेंगे, जिन्हें मैंने अच्छे से गर्म पानी में धो लिया है। अब हम इसमें आधा कप मैदा डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे मैदा इस पर अच्छे से कोट हो जाए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गोभी पे मैदा अच्छे से कोट हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम गरम तेल में गोभी को डालेंगे और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तब तक हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम एक छोटा प्याज डाइस्ड किया हुआ डालेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून लहसुन डालेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। अब इसमें 1/4 कप डाइस्ड की हुई हरी शिमला मिर्च डालेंगे और 30 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम एक बाउल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसमें पानी डाल के एक घोल बना लेंगे। सॉस में बॉईल आने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सॉस थिक हो गई है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। साथ ही हमारी गोभी भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। अब सॉस में हम फ्राइड गोभी को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हनी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून तिल यानी सेसमी सीड डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमारी चिली गोभी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम इसको स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। दोस्तों, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, इसका टेस्ट वाकई में बहुत लाजवाब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको यूं ही मेरी न्यू रेसिपीज़ के वीडियो मिलते रहें।